सो हेलो स्टूडेंट्स, आपके जस्ट 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं और अभी आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतन में होंगे कि हम लोग कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दें। ठीक है, इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा था, तो ऑब्वियसली बात है बहुत मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो अब अलग अलग कॉलेजेस के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे। तो आज मैं आपके सामने पाँच ऐसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूंगा जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले आप सभी को पता होगा जेईई मेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। जेईई मेंस के थ्रू आप एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, और सिर्फ एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं, इसके साथ साथ आप जितने भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ से भी आप अपनी बीटेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिपल आईटीज की, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत ज़्यादा फेमस है जो आप जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हो। ट्रिपल आईटी वडोदरा का बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एनआईटीज को कौन नहीं जानता, और जैसा मैंने बताया प्राइवेट कॉलेजेस का, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी थापर इंस्टीट्यूट जो है, थापर यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, तो DAIICT गांधीनगर है, देन PDPU गांधीनगर, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गांधीनगर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये वो कॉलेजेस हैं जो आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलेंगे। और याद रखिएगा, मैंने दो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस का नाम नहीं लिया। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो DTU और NSIT, ये दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। DTU में आपको, अगर मैं बात करूँ, कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी मिलेगी, NSIT में भी अच्छी मिलेगी, लेकिन DTU अपने CS और IT के लिए जाना जाता है, बाकी NSIT बाकी जितने भी कोर ब्रांचेस हैं उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, तो जेईई मेंस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है BITSET का। अब इस एग्जाम को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। BITSET का जो एग्जाम है ना, इसके थ्रू आप BITS पिलानी, BITS गोवा, BITS हैदराबाद, इन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जो BITSET एग्जाम के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं ना, यहाँ पे फीस इन कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यकीन माने इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो आप BITSET एग्जाम देके भी BITS गोवा, BITS पिलानी और BITS हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम है VIT EEE। ठीक है ना, तो VIT EEE के थ्रू आप VIT कैंपस के अंदर अलग अलग जगह एडमिशन ले सकते हैं। तो VIT EEE के थ्रू अगर आप देखो तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, सबसे पहला है VIT वेलोर, ठीक है, VIT भोपाल हो गया, इसके अलावा VIT चेन्नई हो गया, और VIT अमरावती हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। हालांकि इनमें VIT वेलोर सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ का पैकेज बहुत अच्छा होता है, और यहाँ के रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट VIT वेलोर की बाकी भी VITs के मुकाबले काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप VIT EEE एग्जाम दे सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, अदर देन जो जेईई मेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। ये जितने भी एग्जाम्स थे, हालांकि ये नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, कुछ स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कर्नाटका CET एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो कर्नाटका CET के एग्जाम के थ्रू आप BMS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इसके अलावा आप RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, और MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे WBJEE। WBJEE का मतलब है वेस्ट बंगाल JEE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो WBJEE है ना, इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग का कोर्स मिल सकता है, और इसमें सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। यार जादवपुर यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अंडररेटेड भी है एट द सेम टाइम। इस यूनिवर्सिटी की अक्सर हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं DTU की, NSIT की, IIITs की, NITs की, IITs की, लेकिन हम बात नहीं करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है कि यहाँ पे आप सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये फीस देते हो, और यहाँ का जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है। 20 लाख रुपए तक यहाँ पे एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स गेन करते हैं फाइनल ईयर में, स्टूडेंट्स जब प्लेसमेंट का टाइम आता है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हो। आपको ऐसे कॉलेजेस भी टारगेट करने चाहिए जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिले। बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप
कम पैसे में इंजीनियरिंग करके एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। वो आउटपुट कैसे निकालोगे? एक अच्छी पैकेज लेके, क्योंकि वही आपका ड्रीम होता है, एक अच्छे कंपनी में जाना, वहां जॉब करना। और मोस्टली ITCS में जो जाते हैं उनका ड्रीम होता है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करें, जैसे Amazon हो गया, Google हो गया, Facebook हो गया, और उनका वो ड्रीम होता है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी यार एक बहुत अच्छा शानदार यूनिवर्सिटी है, और मैं पर्सनली वहां पे गया भी हूं, तो उस बेसिस पे मैं बता सकता हूं। उसके बाद पांचवें नंबर पे एक और एंट्रेंस एग्जाम आता है जिसका नाम है MHTCET। MHTCET इसके थ्रू आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन ले सकते हैं, और ये भी एक बहुत शानदार कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। तो आपने देख लिया कि सिर्फ एक JEE मेंस नहीं है, उसके साथ बाकी भी एग्जाम्स हैं जिनके थ्रू आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। सर आपने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम बता दिए, लेकिन आपने IITs क्यों नहीं बताया? तो ये याद रखना कि JEE मेंस जब आप देते हो ना, और आप एक अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते हो, तभी आप JEE एडवांस में बैठते हो, और JEE एडवांस अगर आप निकाल पाते हो तब आपको IITs में एडमिशन मिलता है। तो इंडिया में IITs का बहुत ज्यादा क्रेज है, जैसा आप सभी जानते हैं। IIT में जाने के लिए लोग NIT को भी सरेंडर कर देते हैं, और वो एक साल फिर से पढ़ते हैं, किस लिए? JEE एडवांस को अच्छे रैंक से क्लियर करते हैं और IITs में जाते हैं। तो IITs का क्रेज है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। सिर्फ JEE मेन्स एडवांस नहीं है, इन सब एग्जाम्स को भी आप टारगेट करें, और इन सब कॉलेजेस के थ्रू भी आप एक अच्छी पैकेज लेके आ सकते हैं अपने फाइनल ईयर में जब कंपनीज विजिट करती है। थैंक यू।